निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब अबीहू एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। अंडरलाइन करना यहाँ पर, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, चार खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें, और वे एपोद को सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों का बनाए जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो, और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर वो सुलेमानी मनी लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 तो एक मनी पर और शेष 6 नाम दूसरे मनी पर इसराइल के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। बॉक्स करना इसको। मनी खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है वैसे ही उन दो मनियों पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। बॉक्स करना इसको। और दोनों मनियों को एपोद के कंधों पर लगवाना, ये वे इसराइलियों के निमित्त स्मरण दिलवाने वाले मनी ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। बॉक्स करना। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गूंथे हुए जो जंजीर चोखे सोने के बनवाना, और गूंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पांति मनी जड़ाना। पहली पांति में तो माणिक्य पद्मराग और लालड़ी हो, दूसरी पांति में मरकत नीलमणि और हीरा, तीसरी पांति में लशम सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए, और इसराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे 12 गोत्रों में से एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। बॉक्स कर लें इसको। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गूंथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना, और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के
एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की दो और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसके और उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की दो और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उनके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पटुके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। और जब जब हरुण पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय के चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इसराइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय के चपरास में उरीम और तुम्मीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इसराइलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इस रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून एक बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए व बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चौखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इसराइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। कैसा कैसा परमेश्वर ने करने के लिए कहा है ना? और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना बुनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़ों की बनवाना, और कार जो भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों के को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़ों की जांघियां बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरें और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। परमेश्वर नेकेडनेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, अंडरलाइन करना वो सेंटेंस को, वो पापी ना ठहरे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ेंगे। पहले
वचन से पढ़ते हैं। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में ये बॉक्स करना। 5 वचन 3 वचन ओके। वो कहता है तुम कितना भी कुछ किया होगा जनरेशन में, आप लोगों के जनरेशन में कुछ भी किया कराया, कुछ भी होगा ओके, कुछ भी होगा बाप दादाओं ने, जो पूर्वजों ने किया हुआ ओके, कुछ भी होगा उनकी गलतियाँ, फिर भी अगर हमने पश्चाताप किया तो उसमें से हम छुटकारा पा सकते हैं, नाश नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 वचन 5 वचन दोनों बार बॉक्स करना। देखो रिपीट किया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को ओके। आगे पढ़ते हैं 6th वचन। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आता है परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। बॉक्स करना इसको। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। बॉक्स करना इसको। इसलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो वो, परंतु सप्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? बॉक्स करना इसको, स्टार करना, ये यूज़ करना बंधन खोलने के लिए, ठीक है, छुटकारे के प्रार्थना के समय इसको यूज़ करना। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। अंडरलाइन करना, महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हमारे अंदर भी ये आनंद जब आता है तो ये कारण है उसका कि हमारे पास परमेश्वर के महिमा के काम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के काम हम देखते हैं महिमा के, ठीक है। 18th वचन। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूँ? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया।
उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझ से दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। बॉक्स करना इसको। और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वो पिछले होंगे। बॉक्स करना इसको। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन पूरा करूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने कष्ट के समय के विषय में बता रहा है, कष्ट के 3 दिन कैसे वो आगे जाने वाला है। ठीक है, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवा करती है, कितनी बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। यहेजकेल की भविष्यवाणी 10 अध्याय पढ़ते हैं। पहले वचन से, इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच की अंगारों से भर कर नगर पर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया, तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस बादल भवन में भर जाता था। ये स्पेशलिटी हमको हमेशा पढ़ने को मिला है बाइबल के अंदर। ओके, अंडरलाइन करना, बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। अंडरलाइन करो इसको। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। बॉक्स करना और बाहरी आंगन अंडरलाइन करना।
जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास चार पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपने चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। और पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आँखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहाँ आ गया और अर्थात घूमने वाले पहिए, और एक एक के चार चार मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। और करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। और जब जब वे करूब चलते थे तब तब ये पहिए उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इन में भी रहती थी। अंडरलाइन करना, जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। यहोवा का तेज भवन की देवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। बॉक्स करो, डबल डबल स्टार मारो इसके ऊपर। और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गया, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। बॉक्स करना, डबल डबल स्टार दे देना इसको। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब ही है। हर एक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे।